एक बड़ी कमाल की बात के साथ मैं आज की चर्चा को शुरू करने वाला हूं। फ्रस्ट्रेशन या कुंठा क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन या कुंठा होती है कि जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, यानी जो आपकी इच्छाएं हैं और जो आप जीवन में अचीव कर चुके हैं, उसके बीच में जितना फर्क होता है ना, इसको फ्रस्ट्रेशन बोला जाता है। यह फर्क जितना बढ़ता चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन उतनी बढ़ती चली जाती है, और यह फर्क जितना कम होता है, फ्रस्ट्रेशन उतनी कम होती चली जाती है। आपके जन्म कुंडली के सितारे जो है ना, यह कुदरत का कोड होता है जो आपको बताता है कि आपको क्या, कैसे और कब अचीव करना है। आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो यह जो गैप है ना, यानी फ्रस्ट्रेशन, यह बढ़ती चली जाएगी। फिर आप जीवन में खुद को कोसेंगे भी। आप ये भी कहेंगे कि मैं जीवन में फेल हो गया। दरअसल आप फेल नहीं हुए, आपने अपने बर्थ चार्ट को समझा ही नहीं, आपने खुद को जाना ही नहीं। आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस तरह से अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो, आपकी तहसीर क्या है। आप अगर अग्नि हो तो आप कहीं जल की तरफ तो नहीं जा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए। ये बहुत सारे बेसिक कोड्स हैं आपकी कुंडली में, जो डीकोड करने में बड़े सरल हैं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। जब आप इनको डीकोड कर लेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा आज के जीवन में, चाहे वो धन के मामले में हो, काम कारोबार के मामले में हो, रिलेशंस के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, या किसी अन्य मामले में हो, अगर आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशंस आ रही है ना, उसके पीछे क्या कारण है और इनको किस तरह से रिमूव किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और स्पेशली वो दर्शक जो अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, उनके लिए मैं आपको थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं 30 साल से वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के क्षेत्र में कार्यरत हूं, अभी भी सीख ही रहा हूं। ये विद्या ऐसी है जितनी सीखते जाएं उतनी ही कम लगती है, और साथ ही साथ में जो सीखा है वो आगे सिखाने की, यानी क्लासेस लेके एस्ट्रोलॉजी को सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट से आपको अपनी तहसीर के बारे में कैसे पता चलेगा, अपने फ्लेयर के बारे में कैसे पता चलेगा, और आपको कैसे पता चलेगा कि कुदरत ने आपके लिए सक्सेस का कोड कौन सा रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके बर्थ चार्ट के राहु और केतु जो हैं वो कहां पे हैं। राहु जो हैं ये नॉर्थ नोड कहलाते हैं, और जो केतु हैं ये साउथ नोड कहलाते हैं। चंद्रमा का जो एलिप्टिकल पाथ होता है ना, उसके ये दो बिंदु होते हैं जो राहु और केतु कहलाते हैं। इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन इनका जो भी प्रभाव होता है ना, ये किसी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये कार्मिक प्लैनेट्स कहलाते हैं। यानी ये वो लेयर्स लेके आए होते हैं हमारे चार्ट में, जो बताते हैं कि पिछले जन्मों के कौन से संचित कर्म इस जन्म में हम साथ लेके आए हुए हैं, और उनको पूरा किए बिना इस जन्म में सफलता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। अब यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि राहु जो आपके बर्थ चार्ट में होते हैं ना, ये कुदरत का कौन सा कोड आपको बताना चाह रहे हैं। राहु कहते हैं कि आप पिछले जन्म की कौन सी खामियां, कौन सी कमियां इस जन्म में अपने साथ लेके आए हो, और इस जन्म में आपको वो कमियां पूरी करनी है, वो खामियां अपने अंदर से पूरी करनी है, तभी आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन आ पाएगी, तभी आपके जीवन में संपूर्णता आ पाएगी, तभी आपके जीवन में सक्सेस आ पाएगी। आपके बर्थ चार्ट में जहां पे राहु है ना, आपके अंदर से एक जिस्ट बन जाती है कि उस चीज को लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि उस चीज की खामी लेके आए हुए हो आप। इस पैटर्न को समझिए, ये कोड है कुदरत का राहु के द्वारा। सपोज करिए कि किसी के राहु जो है वो इनकम के भाव में है। इस जन्म में अगर वो इंसान जो भी उसको इनकम मिलती है उसी में सेटिस्फाई हो जाता है, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म से ही कम इनकम की लेयर अपने अंदर लेके आया हुआ है। इस जन्म में उसको लगातार इंक्रीमेंटल ग्रोथ, हर साल अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, उसको अपने प्लान में शामिल करना है। वो नहीं करेगा ना, जो चल रहा है उसी फ्लो के साथ चलेगा, कभी रिस्क नहीं लेगा इनकम बढ़ाने के लिए, तो ना केवल उसके जीवन में फेलियर आएंगे बल्कि उसके जीवन से फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है ना, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यही राहु जो है किसी भी इंसान के सेवंथ हाउस में हो, अब सेवंथ हाउस में राहु हैं तो यह गृहस्थी की कोई ना कोई परेशानी पिछले जन्म की अपने साथ लेके आया हुआ है। उसको क्या करना है, उसको जीवन में गृहस्थी की खुशियां एक्वायर करनी है। जहां पर राहु है आपको उस भाव के जो भी अच्छे तत्व है ना, वो एक्वायर करने हैं। अब 12 भाव के जो अलग अलग तत्व हैं मेरे पुराने वीडियोस में हैं, आप उनको देख सकते हो, लेकिन अब आपको जो कोड दे दिया ना, आप इसका ध्यान रखिएगा। किसी के थर्ड हाउस में राहु हैं तो उसको अपने भाइयों बहनों से संबंध अच्छे बना के रखने, क्योंकि खराब संबंध तो वो कैरी फॉरवर्ड करवा के लाया हुआ है, उनको सुधारना है।
अब किसी के सेकंड हाउस में राहु हैं, तो उसको अपनी जो संचित धन है उसको बहुत ज़्यादा प्लैंड तरीके से रखना है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है, एक ही जगह पे पैसे फंसाने नहीं है, उसको कभी भी पैसा इन्वेस्ट करने में लालची नहीं होना है। सेकंड हाउस खाने पीने का घर है, उसको खाना खाने की जो हैबिट्स हैं ये खराब आदतें पिछले जन्म से लेके आया है, अच्छी आदतें एक्वायर करनी है। अब इस चीज़ को समझिएगा, ये राहु का कोड है आपके जीवन से फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए। अब आप अपने बर्थ चार्ट में बिल्कुल रैंडमली देखिए, सपोज करिए आपका अष्टम भाव में राहु है, अष्टम भाव का राहु विरलों को मिलता है। अष्टम भाव के राहु के बारे में लाल किताब का एक मत है कि झूले सी जिंदगी, यानी लाइफ लाइक अ स्विंग। ये खाली लाल किताब नहीं, आप जीवन में कभी भी देख लीजिएगा, जिसका अष्टम भाव में राहु होगा ना उसके लाइफ में फ्लक्चुएशन बहुत आएगी। फ्लक्चुएशन क्यों आएगी? क्योंकि वो अष्टम भाव के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्वायर नहीं कर रहा है। अष्टम भाव के एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे उनकी लाइफ में? ट्रांसफॉर्म होना, बदलना, और किसके द्वारा बदलना? पेन के द्वारा बदलना। ऐसे लोगों के जीवन में पेन के कई कारण आएंगे। उस पेन में अगर ये लोग कंप्लेंटफुल हो गए, ये लोग सरेंडर कर गए, खुद को नहीं बदल पाए, तो ये राहु जिंदगी को नरकमय बना देगा। लेकिन अगर उस पेन से मोटिवेशन लेके ये लोग अपने जीवन में बदल गए, खुद को एडजस्ट कर लिया, मेलो डाउन भी कर लिया, तो अब ये जो राहु है ना, इनके जीवन में इनका जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल है कई गुना बढ़ाने वाले हैं, इनको ब्रांड बनाने वाले हैं। जिनके दसवें घर में राहु होंगे, काम कारोबार को लेके उनको एक्सपेरिमेंटिव भी होना है, उनको लगातार अपने काम कारोबार में अपने कह लीजिए कि परफेक्शन को एक्वायर करना है, तभी वो अपने जीवन में एक्सेल कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अब राहु के बाद अगर केतु की बात करें, तो केतु जो हैं ये जैसे राहु कमियां बताते थे, केतु बताते हैं कि आप पिछले जन्म की वो चीज़ें एक्सेस में लेके आए हुए हो और उनको इस जन्म में आपने गिव अवे करना है, लेट गो करना है। अगर लग्न में केतु हैं तो आप ईगो एक्सेस में लेके आए हुए हो, इसको लेट गो करिए। सेकंड हाउस में केतु हैं तो आप अजीब सी खान पान की आदतें, या एकदम से अपने धन को बिल्कुल जोड़ के कुंडली मार के बैठना धन के ऊपर, ऐसी आदतें लेके आए हुए हैं, इनको लेट गो करिए। किसी के छठे भाव में केतु हैं तो छठे भाव के केतु क्या कहते हैं कि बिना बात के लोगों से दुश्मनियां आप कैरी फॉरवर्ड करवा के लेके आए हुए हो, तो दुश्मनियों को लेट गो करो, चीजों को छोड़ दो, जाने दो, किसी से कंपीट मत करो, बिल्कुल अपने परफेक्शन की तरफ, अपने काम की तरफ ध्यान दो। पांचवें भाव के केतु है ना, ये इंसान को ब्रांड बनाते हैं, लेकिन तब ब्रांड बनाते हैं जब इंसान डाउन टू अर्थ हो जाए। अब ग्यारहवें भाव के केतु होंगे तो उस इंसान को हमेशा इनकम के बारे में नहीं सोचना है, उसको अपने वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ ध्यान देना है। बारहवें भाव के केतु हैं तो उस इंसान को अध्यात्म का कारक क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि बारहवें भाव में केतु जाके क्या करते हैं कि जो उसके पास रिसोर्सेज है ना, वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाता है, और रिसोर्सेज से ऊपर उठ के स्पिरिचुअल लेवल पे जाना बताता है, ये होता है केतु। तो ये जो कोडेड मैसेज है ना राहु और केतु के, अपने चार्ट के अनुसार जब आप इनको समझ लेंगे तब आपको सहायता मिलेगी ये जानने में कि कुदरत आपके द्वारा कौन सा पैटर्न एक्वायर करवाना चाह रही है, कौन सा पैटर्न आपके लिए गिव अवे करवाना चाह रही है। आप कहीं इसका उल्टा तो नहीं कर रहे थे? जो चीज़ गिव अवे करनी चाहिए थी उसको एक्वायर कर रहे थे, और जो चीज़ लेनी चाहिए थी उसको गिव अवे कर रहे थे। अगर ये चीज़ हो गई तो जीवन में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी, घाटे बढ़ते जाएंगे, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती जाएंगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब राहु और केतु के बाद एक और पेयर है बहुत बड़ा, जो आपको अपने खुद को जानने के लिए बहुत काम में लेके आना है, वो पेयर है चंद्रमा और सूरज का। ये दो रॉयल प्लैनेट्स हैं, ये कुंडली के माता पिता कहे गए हैं, और वैसे भी इंसान के सूर्य जो है पिता कहलाते हैं, चंद्रमा माता कहलाते हैं। बर्थ चार्ट में इनका आपस में दृष्टि संबंध होना, आमने सामने होना बहुत फेवरेबल होता है। इनका एक दूसरे के 1, 5, 9 में त्रिकोण में होना बहुत फेवरेबल माना जाता है। एक दूसरे से 2-12 होना, 6-8 होना, ये खराब माना जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जिनके भी सूर्य चंद्रमा आपस में खराब एंगल पे होते हैं, ये लोगों के जीवन में जितने मर्जी कुंडली में अच्छे योग हो जाएं, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, वो योग घटित ही नहीं होते उनकी लाइफ में, कभी ऐसे कॉम्बिनेशन बनते ही नहीं है कि उन योगों का उनके जीवन में फायदा हो पाए। तो सूर्य और चंद्रमा जो हैं, इनका आप अपना बर्थ चार्ट देखिए, अगर आपके सूर्य चंद्रमा एक साथ हैं, इसका मतलब है आपका अमावस का बर्थ है। अब अमावस का बर्थ है ना, तो आप समझ लीजिए चंद्रमा बुझ गए, सूरज की बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए, तो इस वजह से आपके जीवन से इमोशनल बैलेंस निकल जाएगा, कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो जाएगा, जो समाज में अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा।
सूर्य चंद्रमा आमने सामने होंगे तो दोनों ही बलवान होंगे, लेकिन उस केस में भी इंसान रूल्स में बंद के काम नहीं कर सकता। ऐसा इंसान एक फ्री फ्लो रखता है, ऐसा इंसान नौकरियां करेगा तो अंडर वैल्यूड काम करेगा, अपना बिजनेस करेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा। किसी के चंद्र सूर्य जो है 6-8 में हो तो कहा जाता है कि उनके माता पिता के भी आपस में संबंध सामान्य नहीं रहते और उसका भी उनके बचपन की लेयर्स में प्रभाव दिखता है, उनकी पर्सनैलिटी में प्रभाव दिखता है। तो सूर्य और चंद्रमा कैसे हैं? सूर्य है आपके जीवन का पर्पस क्या है और चंद्रमा क्या है, क्या आप अपने जीवन में इमोशनल कंटेंट कितना रखते हो। अब सोचिए कोई इंसान बिना इमोशन के होगा तो भी अनएक्सेप्टेबल होगा, और जिस इंसान के जीवन का कोई पर्पस नहीं होगा वो भी अनएक्सेप्टेबल होगा। तो सूर्य चंद्रमा का बैलेंस होना भी बताता है कि आप अपने जीवन में किस लेवल तक जा सकते हो, किस हाइट तक जा सकते हो। तो राहु केतु सूर्य चंद्र के बाद बारी आती है कि आपके जीवन में जो पंच तत्व हैं उनमें से कौन सा तत्व ज्यादा हावी हो रखा है। पंच तत्वों में अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, आकाश, आकाश के अंडर हम सब आते हैं, और हमारी नेचर्स में या अग्नि तत्व प्रोमिनेंट होता है, या पृथ्वी तत्व प्रोमिनेंट होता है, या जल तत्व प्रोमिनेंट होता है, या वायु तत्व प्रोमिनेंट होता है। एक तत्व हमेशा सामने आके बात करता है, बाकी तत्व बैकग्राउंड में रहते हैं। अगर जिनका अग्नि तत्व ये प्रोमिनेंट रहेगा, ये लोग छोटी बात करेंगे, गुस्सा जल्दी कर जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन देने में ये एक्सपर्ट होते हैं। इनको वो दिखता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं, तो अच्छे सोल्यूशन मेकर होते हैं। अब देखिए आपके आसपास या खुद आप अग्नि तत्व हैं, कम ही होते हैं ये लोग। और जो जल तत्व होते हैं ये इमोशनल बहुत हो जाते हैं, ये छोटी बात नहीं कर पाते, लंबी लंबी बातें करते हैं, और हर दूसरी बात पे इमोशनल हो जाना जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक का एक मुख्य पार्ट होता है। पैसा अच्छा कमा लेते हैं ये लोग। और जो अर्थ एलिमेंट होते हैं ये तो होते ही पैसा बुद्धि है, मटीरियलिस्टिक हैं, हर बात पे मटीरियल गेन्स जो हैं इनको हमेशा पसंद होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग जो हैं ये लोग काम करवाने में माहिर होते हैं, करने में नहीं, इसलिए ये अच्छे बॉस साबित होते हैं। और जो वायु तत्व वाले लोग हैं इनका क्या होता है, इनक्यूजिटिव नेचर, हर इंसान से उसके बारे में जानना, क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, लेकिन अपने भेद नहीं बताएंगे। ये बॉडी स्ट्रक्चर इनका थिन सा रहता है। तो इस तरह से ये जो चार तत्व है ना, इनमें से एक तत्व मुख्य होगा और एक तत्व जो है बैकग्राउंड में होगा। अब आप देखिएगा कि आपके अंदर कौन सा तत्व बोल रहा है। अगर सपोज करिए आप अग्नि तत्व हैं और आपका कोई काम ऐसा है जिसमें लंबा बोलना या इमोशनल होना है तो कहाँ कामयाब होंगे आप। और अगर आपका जल तत्व है और आपको छोटे जल्दी होने वाले काम जैसे कि अग्नि तत्व वाले होते हैं उसमें बिठा दिया जाए तो भी कहाँ कामयाब होंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी ना। अब आप अर्थ एलिमेंट हैं, बॉस एलिमेंट हैं, लेकिन आपको कहा जाए कि किसी के अंडर काम करिए, आपसे ऑर्डर लिए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आप तो प्लानर हैं, प्लानिंग करना आपकी फितरत में शामिल है। और अगर आप वायु तत्व हैं और कहीं ऐसा काम आ जाए जो काम जो है पृथ्वी तत्व से संबंधित हो तो भी आप फ्रीली उसको नहीं कर पाएंगे। तो जब आप अपना तत्व पहचानते हैं, आप ये पहचान लेते हैं कि राहु केतु आपके बर्थ चार्ट के थ्रू क्या एक्वायर करने और क्या छोड़ देने का संकेत दे रहे हैं, और फिर आपके चंद्र सूर्य बता रहे हैं कि कहाँ पे कमी रह रही है, किन चीज़ों को बैलेंस करने से ये ग्रह आपके बैलेंस हो जाएंगे, तो फिर आप खुद को जान जाते हैं। फिर आप ये जान जाते हैं कि आपके जीवन में तरक्की कैसे आएगी। फिर आप ये जान जाते हैं कि इस तरक्की का जो है रास्ता किधर से होके निकलता है। तो इस तरह से खुद को जानेंगे तो जीवन से फ्रस्ट्रेशन को कम करेंगे, फ्रस्ट्रेशन को कम करेंगे तो अपनी कामयाबी की दर को बढ़ाएंगे। जब कामयाबी बढ़ेगी ना तो फिर आप कहलाएंगे सच्चे किस्मत वाले। तो आज की जानकारी यही तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।